हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम टीडीएस रिटर्न के बारे में। टीडीएस रिटर्न क्या होती है और टीडीएस रिटर्न कब फाइल होती है, और टीडीएस रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल हमें फाइल करनी होती है। ठीक है, तो टीडीएस रिटर्न को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीडीएस रिटर्न के बारे में। तो लिखा है कि टीडीएस रिटर्न इज द रिटर्न विच इज फाइल्ड बाय टीडीएस डायरेक्टर या टीसीएस कलेक्टर ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी टीडीएस रिटर्न होती है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है, और किसके द्वारा फाइल होती है, टीडीएस डायरेक्टर या टीसीएस कलेक्टर के थ्रू फाइल होती है। अब आप बोलोगे टीडीएस डायरेक्टर कौन होता है या फिर टीसीएस कलेक्टर कौन होता है, तो ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि टीडीएस डायरेक्टर या टीसीएस कलेक्टर वो पर्सन होता है, इस पर्सन के पास 10 नंबर होता है और इस पर्सन को अथॉरिटी होती है कि आप टीडीएस रिटर्न कर सकते हैं या फिर आप टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, हम देखते हैं कि ड्यू डेट क्या होती है टीडीएस रिटर्न की। तो टीडीएस रिटर्न जो हमारी होती है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है, जैसे कि हमने ऊपर देखा है यहाँ पे कि क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है। तो जैसे कि हमारे जो क्वार्टर होते हैं वो 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में। तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है वो अप्रैल टू जून होता है, उसकी रिटर्न की लास्ट डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अप्रैल से लेकर जून तक की जो रिटर्न हमारी फाइल होगी वो 31 जुलाई को फाइल होगी, या उसकी लास्ट डेट 31 जुलाई होगी। जो हमारा सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई टू सितंबर, तो उसकी जो लास्ट डेट होती है वो 31 अक्टूबर होती है। और जो हमारा थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर टू दिसंबर, तो उसकी जो लास्ट डेट होती है वो 31 जनवरी होती है। एंड जो हमारा लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी टू मार्च, उसकी जो लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने की या फिर ड्यू डेट जो होती है वो 31 मई होती है। तो आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इसकी लास्ट डेट 31 मई क्यों होती है, 30 अप्रैल क्यों नहीं होती है? तो आपको मैं सिंपल से इसका आंसर बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा लास्ट क्वार्टर होता है, ठीक है, हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है, तो उसमें जो हमारा मार्च का मंथ होता है ये बहुत ज्यादा बिजनेसमैन के लिए काफी ज्यादा शेड्यूल होता है कि काफी ज्यादा बिजी मंथ होता है, तो इसलिए इस मंथ में क्लोजिंग भी होती है, हमें ये भी पता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस मंथ में थोड़े से रिलीफ दी है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस मंथ में हमें एक मंथ और एक्स्ट्रा दिया है। यही इसका एक लॉजिक है जिसकी वजह से इस क्वार्टर में हमें रिटर्न 30 अप्रैल ना होकर 31 मई होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टीडीएस रिटर्न, टीडीएस रिटर्न कितने टाइप की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जैसे लिखा है टीडीएस रिटर्न आर क्लासिफाइड इन फोर पार्ट्स, टीडीएस रिटर्न जो हमारी डिवाइड है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन, सेक्शन के बेस पे डिवाइड होती है, एंड रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये सेक्शन के बेसिस पे डिवाइड होती है या फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिवाइड होती है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपका टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो, वो उसको जो देखता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही टीडीएस और टीसीएस आता है। ठीक है, तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि रिटर्न कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। रिटर्न को हम फॉर्म के बोल देते हैं, जैसे कि यह पहला है फॉर्म 24Q। जो आपका फॉर्म 24Q होता है ये आपकी सैलरी रिटर्न होती है, ठीक है, इसको हम सैलरी रिटर्न भी बोलते हैं। सेकेंड है फॉर्म 26Q, फॉर्म 26Q जो होती है आपकी नॉन सैलरी रिटर्न होती है। एंड जो आपका फॉर्म 27Q होता है, फॉर्म 27Q होता है आपकी नॉन रेजिडेंट की, मतलब एनआरआई की बोल सकते हो आप। जो लास्ट बनते हैं आपका फॉर्म 27EQ, फॉर्म 27EQ आपकी टीसीएस की रिटर्न होती है। ठीक है, तो एक ही करके डिटेल में डिस्कस करते हैं फॉर्म 24Q, फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q एंड फॉर्म 27EQ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फॉर्म 24Q, ठीक है, डिटेल में कि फॉर्म 24Q कैसे फाइल होती है, इसके अंदर क्या डिटेल जाती है, कब फाइल करते हैं, ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म 24Q के बारे में। फॉर्म 24Q, फॉर्म 24Q आर लिखा है, अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। There are some important point about form 24Q. जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, दिस फॉर्म और रिटर्न हैज फाइल ऑन क्वार्टरली बेसिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होती है। दूसरा लिखा है दिस फॉर्म रिटर्न हैज फाइल बाय एम्प्लॉयर, ये किसके द्वारा फाइल होती है, एम्प्लॉयर के द्वारा। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर का मीनिंग क्या होता है, एम्प्लॉयर कोई भी पर्सन हो सकता है जिस पर्सन के पास 10 नंबर होगा और जिसके यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे और वो एम्प्लॉयर उन पर्सन को सैलरी पे कर रहा होगा। ठीक है, सैलरी कितनी पे कर रहा होगा, जितना टैक्सेबल सैलरी हो, मतलब जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट है आपका, उससे ज्यादा अगर सैलरी पे कर रहा है कोई एम्प्लॉयर, तो वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए ए बी सी लिमिटेड एक कंपनी है,
ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए रमेश काम करता है, रमेश की सैलरी है 5 लाख, तो इस 5 लाख के ऊपर ईबीसी लिमिटेड टीडीएस डिडक्ट करेगी फॉर्म 24Q के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं दिस फॉर्म इज आल्सो नोन एज सैलरी टीडीएस रिटर्न, इस फॉर्म को सैलरी टीडीएस रिटर्न भी बोलते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं पहले। एंड आगे क्या लिखा है, दिस फॉर्म एम्प्लॉयर डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी ऑफ देयर एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 182 एंड एज पर स्लैब रेट ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ द दैट ईयर। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि इस फॉर्म के अंदर, मतलब फॉर्म 24Q या फिर टीडीएस रिटर्न 24Q के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है वो जो टीडीएस डिडक्ट करेगा तो सैलरी के बेस पर डिडक्ट करेगा, और सैलरी के बेस पे कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्ट करेगा, सेक्शन 192 के अंदर डिडक्ट करेगा। तो कैसे डिडक्ट करेगा, वो स्लैब रेट के बेस पर डिडक्ट करेगा। स्लैब रेट मतलब जो इनकम टैक्स अकॉर्डिंग जो स्लैब रेट प्रोवाइड की जाती है, जो हर साल चेंज भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, उसके अकॉर्डिंग उसकी कंप्यूटेशन बना के कैलकुलेशन करके प्रॉपर तरीके से उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा। कौन डिडक्ट करेगा, एम्प्लॉयर, ठीक है। एंड आगे लिखा है दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म एम्प्लॉयर शो सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज एंड टीडीएस डिडक्टेड ऑन सच पेमेंट। तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि जो फॉर्म 24Q होता है, फॉर्म 24Q के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या शो करता है कि उसने कितनी सैलरी पे की है अपने एम्प्लॉयज को, और उसने उसके सैलरी के ऊपर कितना टीडीएस डिडक्ट किया है और कितना गवर्नमेंट को पे कराया है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन फॉर्म या इन दिस फॉर्म इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये फॉर्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है एनेक्सर 1, एक होता है एनेक्सर 2। अब एनेक्सर 1 क्या होता है, एनेक्सर 2 क्या होता है, एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखे एनेक्सर 1 हैज टू सबमिटेड इन ऑल द क्वार्टर। एनेक्सर 1 जो जाता है आपको सारे क्वार्टर में जाता है, जो साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च, मतलब 4 क्वार्टर में ये फॉर्म जाता है। बट एनेक्सर 2 या एनेक्सर 2 इज सबमिटेड इन 4th क्वार्टर ओनली, मतलब एनेक्सर 2 आपको सिर्फ 4th क्वार्टर में जाता है, मतलब जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर में जाता है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं एनेक्सर 1 के अंदर क्या डिटेल जाती है, एनेक्सर 2 के अंदर क्या डिटेल जाती है। उससे पहले हम नोट देख लेते हैं कि एम्प्लॉयर का मीनिंग क्या बताया था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एम्प्लॉयर क्या कौन हो सकता है। एम्प्लॉयर एक कंपनी हो सकती है, चाहे वो एक प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, वो एम्प्लॉयर हो सकती है, ठीक है। जैसे कि टाटा लिमिटेड, ठीक है, IBM हो गई, ठीक है, एक्सेंचर हो गई आपकी, ठीक है, एंड होंडा हो गई, कोई भी कंपनी हो सकती है। इंडिविजुअल मीन प्रोप्राइटर, ठीक है, HUF, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, आपको कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज यहाँ पर वही पर्सन हो सकता है जिस पर्सन की सैलरी टैक्सेबल हो उस साल के इनकम टैक्स के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। मतलब आप ये बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, एक कंपनी के अंदर 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, ABC। जो ए की सैलरी है साल की वो है 5 लाख रुपए, जो बी की सैलरी है पूरे साल की वो है 10 लाख रुपए, और जो सी की सैलरी है वो है 2,10,000 रुपए पूरे साल की। जो आपका सी है उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता एम्प्लॉयर, क्यों, क्योंकि उसकी सैलरी स्लैब रेट से कम है। मतलब जो आपका स्लैब रेट होता है इनकम टैक्स अकॉर्डिंग वो अभी 2.5 लाख वाला चल रहा है कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो इसकी टीडीएस डिडक्ट। तो यहाँ पर ये लाइन लिखी है, इफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ द दैट ईयर देन एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट टीडीएस, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, If there is no PAN to taxable employee, then TDS should be deducted at 20% on salary. अगर employer का, employee का अगर PAN number नहीं है तो employer उसकी salary का 20% deduct करेगा। कौन से employees की, जो employee taxable होंगे, मतलब A और C। मान लीजिए A के पास PAN number नहीं है तो उसकी 5 लाख का 20% deduct हो जाएगा, ठीक है जी। आप देखते हैं एनेक्सर 1 के अंदर क्या डिटेल होती है। एनेक्सर 1 के अंदर आपको जो बेसिक डिटेल होती है वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पहला चलान की डिटेल, दूसरा डिडक्टी की डिटेल। आपको उसके चलान की डिटेल फीड करोगे कि उसका जो टीडीएस पे हुआ था वो कौन से चलान के अगेंस्ट पे हुआ था, कब पे हुआ था, ठीक है,
और उसका चलान का BSR कोड क्या था, चलान का सीरियल नंबर क्या था, और ए की डिटेल और सी की डिटेल कि ए का कंप्लीट नेम क्या है, पैन नंबर क्या है, ठीक है, सी का पैन नंबर क्या है, एम्प्लॉय डिटेल क्या है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम डिटेल में। तो लिखा है डिटेल ऑफ चलान हैज टू बी मेंशन इन एक्सेल वन, जैसे कि BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान सीरियल नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ चलान, TDS डिपॉजिट, एलोकेटेड ऑफ सर्विसेज एंड इंटरेस्ट अमाउंट टू बी एलोकेटेड अमंग डिडक्टीज इफ एनी। अगर कोई चलान लेट फाइल हुआ हो या लेट पेड हुआ हो तो उसकी डिटेल। अब आप बोलोगे चलान के बारे में, चलान की जो एक मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है कि चलान कब पे होते हैं, चलान के ड्यू डेट क्या होती है, चलान कैसे पे होते हैं, तो उसके लिए आपको चलान वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, ज्यादा से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एनेक्सर वन के अंदर जो हमारी डिटेल होती है डिडक्टीज की है, तो वो डिडक्टिव डिटेल क्या क्या जाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, एम्प्लॉयज रेफरेंस नंबर, आपके एम्प्लॉयज रेफरेंस नंबर जाएगा अगर होगा तो, पैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द एम्प्लॉय एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड एंड TDS सेक्शन कोड, मतलब आपको 192, एंड डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट पेड और क्रेडिट एंड TDS अमाउंट, ठीक है। एंड लास्ट है आपका एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस। तो आपको मैं एक डिटेल में बता रहा हूँ कि आप जब TDS रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब Form 24 क्यों फाइल करेंगे, तो आप जब फाइल करेंगे तो आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होना चाहिए फाइल करने के लिए, या तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करें या फिर ट्रेसिस की यूटिलिटी यूज करें। सॉफ्टवेयर कौन कौन सा हो सकता है, सरल हो सकता है, जीनियस हो सकता है, स्पेक्ट्रम हो सकता है, टैक्समैन हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ये सारी डिटेल आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करनी होती है क्वार्टरली बेसिस पे, या फिर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दिया कि आपको ऐसे डिटेल फीड करनी है, तो आपको एक एक्सेल शीट में आपको थ्रू बता रहा हूँ कि आपको डिटेल कैसे फीड करनी है, ताकि आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं डिटेल्स ऑफ डिडक्टिव, डिटेल की क्या डिटेल क्या होती है डिडक्टिव की। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास तीन एम्प्लॉई है, रोहित, साहिल, राजीव, तो उसका पैन नंबर, डेट ऑफ डिडक्शन कि इस डेट को डिडक्ट हुआ था, ठीक है, अमाउंट 1,50,000, 1,75, 1,25, इतना इनका TDS डिडक्ट हुआ है, TDS इंटरेस्ट 1.5% पर मंथ, ये तब होता है जब आपका चलान लेट फाइल हुआ हो या लेट पेड हुआ हो, ठीक है। तो आपको कोई 0,0 मतलब नहीं, कोई भी चलान लेट फाइल पेड नहीं हुआ है, देन टोटल TDS, ठीक है, देन चलान नंबर, आपका चलान नंबर जो होता है आपका बैंक का होता है, ठीक है, जब आप रिटर्न ये चलान पे करते हैं तो ये नंबर उस टाइम पे जनरेट होता है, ये आपका 5 डिजिट का होता है, ठीक है, 5 डिजिट का होता है। एंड डेट ऑफ पेमेंट, क्या आपने वो चलान कब पे किया था, BSR कोड, BSR कोड हर बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है, और BSR कोड आपका 7 डिजिट का होता है, मैंने एग्जाम्पल के लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर समझने वाली सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो चलान अमाउंट है और आपने जो टोटल TDS डिडक्ट किया है वो आपका अमाउंट इस चलान अमाउंट से मैच होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, या फिर आपका जो चलान है और जो आपका TDS डिडक्टेड है अगर वो मैच हो जाएगा तो फिर आपके रिटर्न मतलब ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मतलब आप ये बोल सकते हो कि 85,000 और ये अमाउंट आपका मैच हो जाना चाहिए। अगर ये अमाउंट ज्यादा है, मतलब ये अमाउंट मान लीजिए 90,000 का हमने चलान पे किया था और जो हमने TDS डिडक्ट किया उसी 85,000 किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी मैंने ये अक्टूबर का शो किया है, फिर नवंबर का शो करा है, ये आपका दिसंबर का शो करा है, तो अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो ये जो मैंने शीट बना रखी है थर्ड क्वार्टर की बना रखी है, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और इसकी जो रिटर्न जाएगी आपकी वो कब जाएगी, 31 जनवरी को जाएगी। तो ये था अनेक्सर वन, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं अनेक्सर टू के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पे कोड लिखा है, नोट लिखा है, एम्प्लॉयर कैन मेक ए सेपरेट कॉलम ऑफ एजुकेशन या हेल्थ सेस के लिए सेपरेट कॉलम बना सकता है अगर वो चाहे तो, या अदरवाइज दिस अमाउंट हैव टू बी सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न विद रिवर्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो या फिर उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके ये अमाउंट अलग करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो ये जो ना TDS डिडक्ट किया 35,000, ठीक है, ये 35,000 को रिवर्स करके, या तो इसमें से जो हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस है उसको अलग कर दे और इनकम टैक्स को अलग कर दे, ठीक है, या फिर इसका अलग कॉलम बना ले, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ये बोल सकते हो कि आप 35,000 का अलग करोगे इसमें से इनकम टैक्स और हेल्थ सेस, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 100, आप ऐसे करके इनकम टैक्स अलग कर लोगे और हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस अलग कर लोगे, ठीक है, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करोगे तो वहां पर आपसे उसी तरीके से मंगेगा, ठीक है।
अब देखते हैं अनेक्सर टू। तो अनेक्सर टू लिखा है, अनेक्सर टू कंसिस्ट ऑफ टोटल ब्रेकअप ऑफ द सैलरी, उसमें टोटल ब्रेकअप होता है सैलरी का, ठीक है। एनी डिडक्शंस टू बी क्लेम्ड बाय द एम्प्लॉय एंड हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड हाउस प्रॉपर्टी एंड ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी एज कैलकुलेटेड। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो अनेक्सर टू के अंदर जो कि हम फोर्थ क्वार्टर में फाइल करते हैं, तो उसके अंदर सैलरी का ब्रेकअप होता है, मतलब कितना सैलरी का ब्रेकअप, मीन्स इसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, डीएनएस अलाउंसेस कितना था, प्रोक्यूजिस्ट कितने थे, एचआरए कितना था, ठीक है, उसने कौन से सेक्शन के अंदर कितनी डिडक्शन ली है। डिडक्शंस मीन्स सेक्शन 80C से लेकर 80U तक उसने जो डिडक्शन ली है एम्प्लॉय ने उसकी डिटेल, ठीक है। एंड अगर कोई उसको इनकम हुई हो उस एम्प्लॉय को अदर सोर्सेज से, जैसे कि सेविंग इंटरेस्ट, उसकी डिटेल, कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई हो तो उसकी डिटेल, अगर इनकम नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं अनेक्सर टू कैसा होता है। तो अनेक्सर टू के अंदर जो जनरली डिटेल होती है वो ये होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस कितना है, कमीशन कितनी थी, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना था, कोई चिल्ड्रन अलाउंसेस कितना था, कोई अलग अलाउंसेस अगर है दिया है एम्प्लॉयर ने तो उसकी डिटेल, डिडक्शन कितनी दी है टोटल, कौन से सेक्शन के अंदर दी है, ठीक है। कोई अगर इनकम हुई उसको अदर सोर्सेज से उसकी डिटेल, हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम हुई तो उसकी डिटेल, ठीक है। ये और भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका अनेक्सर वन एंड अनेक्सर टू, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जब हम टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं फॉर्म 24Q के अंदर, तो लिखा है हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन सैलरी। अब हमें टीडीएस कैलकुलेट करना है सैलरी के ऊपर। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि एक पर्सन है, उसका नाम है रोहित। अब रोहित की जो सैलरी है पूरे साल में जो उसको सैलरी मिलती है वो मिलती है 12 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ उसको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, 12 लाख रुपए, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसकी जीरो है, कोई इनकम नहीं है उसकी हाउस प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जीरो है, कोई इनकम नहीं है। टोटल इनकम कितनी होगी उसकी, 12 लाख रुपए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U तो से कितने लिए हमने, 1 लाख रुपए लिए, ठीक है। एंड नेट इनकम कितनी होगी उसकी, 11 लाख रुपए, हमने डिडक्शन माइनस कर दी है। अब हम इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये तो आपको बता दिया मैंने, टोटल इनकम हमने कैसे कैलकुलेट करी है। अब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट इनकम 11 लाख रुपए है, टैक्स कैलकुलेशन आपकी जो सेलेब्रेट है 2,50,000 तक आपका एग्जाम्प्ट हो गया, फिर नेक्स्ट ढाई पे आपका 5% पे आपका 12,500 बन गया, फिर नेक्स्ट फाइव पे आपको 20% के हिसाब से आपका 1 लाख बन गया, देन नेक्स्ट पे आपका जो 1 लाख बनता है उस पे आपका कितना बन गया, 30,000। तो टोटल आपका जो टैक्स बन गया वो 1,42,500 हो गया, उसके ऊपर हमने सेस लगा दिया 4%, तो आपका कितना हो गया 5,700। तो आपका टोटल जो टैक्स हो गया वो हो गया 1,48,200 रुपये, किसका, रोहित का, ठीक है जी। अब ये टोटल पूरे साल का टैक्स है, तो अब हम इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है, और ये एस्टिमेटेड बेस पे जा रहा है, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं हमने एस्टिमेटेड बेस हम डिडक्ट कैसे करेंगे। तो हम एक रेट निकालते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है इनकम टैक्स पेबल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, जो आपकी जितना उसका टैक्स बन रहा है पूरे साल का, मतलब 1,48,200, उसको डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द एम्प्लॉय कितनी है जी, वो है आपकी 12 लाख रुपए, ठीक। जैसे आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका एक रेट निकलता है, वो आपका आया 12.35%। तो ये आपका रेट आ गया। अब वो टीडीएस डिडक्ट पर मंथ कितना करना है अल्टीमेटली, तो आप जो एस्टिमेटेड डिडक्ट करोगे वो आप कैसे करोगे, टीडीएस डिडक्शन पर मंथ 1 लाख रुपए आप उसको मंथली सैलरी देते हो, तो 1,12.35%, तो आपका इतना आप टीडीएस का डिडक्ट कर सकते हो, आप कौन, एम्प्लॉयर। अल्टीमेटली इसके काफी सारे तरीके हो सकते हैं डिडक्ट करने, कुछ बंदे क्या करते हैं जिसको टोटल टैक्स आता है उसको 12 से डिवाइड करके भी डिडक्ट कर सकते हैं, कुछ पर्सन ऐसे डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्म 24Q के बारे में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा फॉर्म 24Q के बारे में कि फॉर्म 24Q कैसा होता है और इसके अंदर क्या क्या डिटेल जाती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर, टीडीएस सेक्शन कोड, कि जो आपका टीडीएस का जो सेक्शन होता है जो 24 192 होता है, तो उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, 192A, 192B और 192C। अब जो 192A होता है उसमें सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी पे की जा रही है
तो उसके अंदर 1A के अंदर टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आपको नॉर्मल कंपनीज के अंदर ये नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर नॉर्मल प्रोपराइटर के अंदर ये एचयूएफ के अंदर जो आपका सैलरी डिडक्ट होती है, ये सैलरी पे जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो 1A2B के अंदर होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है, सेम डिटेल जाती है, सब कुछ सेम होता है, बस सेक्शन को डिवाइड कर रखे फर्दर पार्ट्स में। ठीक है, और लास्ट आपका बचता है 1A2C, इसके अंदर होता है सैलरी पेड टू यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा सेक्शन जो यूजफुल होता है, मतलब 70-80% जो सेक्शन यूज होता है जनरली, वो आपका 1A2B होता है। ठीक है, तो ये आपका थी डिटेल अबाउट फॉर्म 24 क्यू के बारे में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एमजे एजुकेशन। और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। एंड फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू टैक्सेशन, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में एक चीज बता देता हूँ कि अब ये हमने जो कंप्लीट टीडीएस कंप्लीट कोर्स के अंदर से जो कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वो हमने बेसिक डिटेल कर लिए हैं, हाउ टू अप्लाई टैन कर लिया है, हु इज एलिजिबल फॉर टैन कर लिया है, ठीक है, चलान कैसे पे करते हैं वो कर लिया, एंड आपका टीडीएस रिटर्न भी का पार्ट फर्स्ट कर लिया। तो ऐसी और हम वीडियोस और डालेंगे, और इसके अलावा हम जो कोर्स कराते हैं वो जीएसटी प्रैक्टिशनर का भी कराते हैं, जीएसटी कोर्स भी कराते हैं, एंड ईवे बिल भी कराते हैं। ठीक है, तो थैंक्स अगेन।